हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। साथ में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है और इसी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इस बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम बातचीत करें उससे पहले हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड यदि हम कहीं यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वर्ड यदि हम कहीं यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टडी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की इकोनॉमी की जो स्टडी की बात कर रहे हैं तब हम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, कि ऐसा सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक चीज़ों की स्टडी करता हो या ऐसा साइंस जो इकोनॉमिक चीज़ों की स्टडी करता हो। तो हम जब किसी चीज़ के सब्जेक्ट के लिए की नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है। जैसे हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जब हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उस समय किसी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। हम उस समय बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी की हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, इट मीन्स हम किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज करेंगे। तो इकोनॉमी इट मीन्स एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, एक बाउंड्रीज है। उस बाउंड्री में जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज हो रही, जितनी भी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज हो रही, उन सबको मिला जुला के वो पर्टिकुलर बाउंड्री की इकोनॉमी कहलाएगी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक, तो इकोनॉमी वर्ड जो है वो ज्योग्राफी से कंसर्न है। ठीक, और इकोनॉमिक्स मीन्स हम सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है तो वो पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का वो सिस्टम अपना रहे हैं, इकोनॉमी की कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं, वो पॉलिसी के बेसिस पे तय होगा कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो ओपन इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, या फिर वो जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो देखिए, यदि किसी देश में मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, मैक्सिमम डिसीजन जो है गवर्नमेंट खुद लेती हो, है ना, तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। क्यों सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि समाज जो है क्या बनाता है, समाज गवर्नमेंट को बनाती है, हम वोट करते हैं तभी तो गवर्नमेंट बनती है ना, और गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रही है। इट मीन्स वो उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो किसका है, इम्पोर्टेंस समाज का है, इम्पोर्टेंस सोसाइटी का, इसलिए उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है। लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम कंट्रोल किसका हो, मैक्सिमम कंट्रोल हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम डिसीजंस या मैक्सिमम प्रोडक्शन किसके हाथ में हो, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हो। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो उसको हम फ्री इकोनॉमी बोलेंगे, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी किस लिए, भाई कोई भी आ सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके लिए, है ना, और वो अपना बिजनेस कर सकता है, इसलिए फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं भाई, जैसे जब बिजनेस मतलब जो है फ्री होगा, जब बिजनेस कोई भी कर सकता है तो किसका दबदबा होगा, दबदबा उसका होगा जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी। ठीक, तो जो ज़्यादा कैपिटल वाला होगा, जो ज़्यादा पूंजीपति होगा, ज़्यादा जिसके पास कैपिटल होगी, मार्केट में दबदबा भाई उसका ही होगा, है ना। आज जैसे हम देखें कि भाई हमारा देश में इतने बड़े बड़े अंबानी, अडानी जो भी है, तो इन यदि
वैसे हमारे यहाँ पर मिक्सड इकोनॉमिकल सिस्टम है, इसलिए पूरी तरीके से इनका दबदबा नहीं, पूरा दबदबा नहीं, लेकिन है तो सही ना। तो जब कैपिटल वालों का दबदबा हो, है ना, जब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पूरी इकोनॉमी में, ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब हमारे देश में जो इकोनॉमी फॉलो होती है वो मिक्सड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के लिए ही है और कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है मिक्सड इकोनॉमी वाला सिस्टम है। खैर, तो अब हमने तीन चार बातें हमने क्या कर ली कि इकोनॉमी किसको बोला जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, देखिए जब आप बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी का सिस्टम क्या होना चाहिए, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं हम सोशलिस्ट वाला सिस्टम रखेंगे या कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम रखेंगे, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब हम ये जो हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी क्या होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होना चाहिए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो स्टडी हम करेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि हम किसी इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस हमें कैसे तय करना चाहिए, तो हम इट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मेनली प्राइस की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्राइस कैसे तय की जाए, है ना, इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लायर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, विच मीन्स वेन वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल की, जब हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की, जब हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इट मीन्स कंज्यूमर क्या सोचेगा, सप्लायर क्या सोचेगा, इट मीन्स अल्टीमेटली हम लोग जो है एक मेन कंसर्न होता है हमारा और वो होता है प्राइस, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कि लोगों की इनकम जनरेट है कि नहीं, है ना, लोगों को इनकम जनरेट हो रही कि नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही कि नहीं। तो उस वजह से मतलब हम बड़े बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, लोग देश में रोजगार है कि नहीं है, देश में महंगाई तो नहीं हो गई है ना, महंगाई का उल्टा इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन तो नहीं हुआ है, तो इट मीन्स हम वहाँ पर क्या इसकी बात करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी बात करते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सही नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है और इसको जो है आपका प्राइस थ्योरी बोला जाता है। इसके अलावा यदि हम बातचीत करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है इंडिविजुअल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे हम टूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके जो टूल्स है वो क्या है, वो जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, है ना, वहीं यहाँ पर बात किसकी आ जाएगी, भैया हम बात करेंगे किसी एक चीज़ को खरीदने की बात करेंगे, एक कंज्यूमर किसी चीज़ को किसी प्राइस पर कितना खरीद रहा है वो बात करेंगे, एक सप्लायर किसी प्राइस पर किसी चीज़ को कितना सेल करना चाहता है वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे टोटल पूरे देश के लोग मिलाकर कितना चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं या कितना खर्च कर रहे हैं, टोटल पूरे देश के सप्लायर मिलकर के सारी इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री मिलकर के कितना प्रोडक्शन कर रही है या कितना सप्लाई कर रही है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और हम एग्रीगेट इसी टाइप से एग्रीगेट सप्लाई इसकी बात करते हैं, तो हमारे टूल्स जो है वो बदल जाते हैं। सो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्टर, जब ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी
की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स का रेट कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। बैंक का इंटरेस्ट कम लगना चाहिए ज़्यादा चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आई होप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और आगे हम लोग पढ़ेंगे PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही है तो बिल्कुल कड़वे कमेंट करें। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।